आपके पास आपके लैपटॉप में आपके डेस्कटॉप में जो मूवीज कलेक्शन पड़े हुए हैं जो इस तरीके से दिखते हैं और आप चाहते हो कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाए तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आप समझ जाओगे। What's up guys, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होगा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, आप सभी के YouTube चैनल में। तो देखो ये व्लॉग है स्पेशली कुछ टेक रिलेटेड, तो मैं टेक पे कुछ वीडियो शूट करने वाला हूँ क्योंकि हम हैं अभी क्वारंटाइन में। जी हाँ, हमारे अभी लॉकडाउन चल रहा है, पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। तो घर बैठे बैठे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको कुछ नई जानकारी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीधे चलते हैं मेरे ये जो डेस्कटॉप है उसके स्क्रीन पे। आ जाओ। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ। मेरे पास कुछ मूवीज़ कलेक्शन पड़ी हुई हैं जिनमें से बॉलीवुड की कुछ मूवीज़ हैं, हॉलीवुड की मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं। तो हमें अपने डेस्कटॉप पे सिस्टम पे कुछ ऐसे दिखाई देती हैं ये सारी की सारी मूवीज़, और कलेक्शन जो हमारा होता है मूवीज़ का वो सारा चीज़ें। हम क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए हम एक वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट का नाम है, आपको मैं बता दूँ, आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, plex.tv। तो इस वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से हम उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको फ्री मीडिया स्ट्रीमिंग प्रोवाइड कराता है आपके डेस्कटॉप से आपके किसी भी डिवाइस पे, और चाहे वो टीवी हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, या फिर आपका कोई भी लैपटॉप हो। तो एक जगह आप मीडिया रखो, आप एक जगह अपनी सारी मूवीज़ का कलेक्शन रखो और उसको एज अ सर्वर ट्रीट करो और वो सारी की सारी चीज़ें आप कहीं भी देख सकते हो। तो फटाफट से काम करते हैं। यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा आपका अपना अकाउंट, और उसको अकाउंट बनाने बहुत ही आसान है। आप साइन अप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट है तो यहाँ पे बना हुआ है, आप साइन अप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा फेसबुक के थ्रू अकाउंट बनाने का, गूगल के थ्रू अकाउंट बनाने का, एप्पल अकाउंट के थ्रू अकाउंट बनाने का। और अगर आप ये सारी चीज़ नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ईमेल आईडी के थ्रू भी यहाँ पे साइन अप कर सकते हो, और ये सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप सबसे नीचे इस वेबसाइट के सबसे नीचे आना और यहाँ पे मिलेगा आपको प्लेक्स मीडिया सर्वर, इस पे आप क्लिक करना। क्लिक करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा कि आपकी ये सिस्टम कौन सा है, विंडो सिस्टम है, मैक है या फिर लिनक्स है। उस हिसाब से ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है, हम इसको खोलते हैं, रन करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया और मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। आपको कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है, कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी है, सीधे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट लोकेशन पे आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देगा और आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा लॉन्च करने का इसको। तो हमारा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, हम अब क्लिक करेंगे इसके लॉन्च पे। लॉन्च पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएगा। अगर ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होता है तो आपको यहाँ नीचे जाना है स्क्रीन पे और यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, आपको डबल क्लिक करना है और ये डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर ये पैनल खोल देगा आपके सामने। और यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसको यूज़ करना है और अपने मीडिया सर्वर को एक्टिवेट करना है, इंस्टॉल करना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ गया गॉट इट का, हम गॉट इट पे क्लिक करेंगे। ये देख रहा है कि मेरे अकाउंट पे कोई अभी सर्वर चल रहा है या नहीं, तो यहाँ नहीं चल रहा है। यहाँ पे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप इसको सिंपली क्लोज कर देना। यहाँ जाके यहाँ पे आपके डेस्कटॉप का नाम उठा लेगा, बट मैं ये नहीं रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नाम रखूंगा अपने प्लेक्स सर्वर। तो मैं इसका नाम रखने वाला हूँ प्लेक्स सर्वर। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं। इस चीज का ध्यान देना है कि ये अलाउ मी एक्सेस माई मीडिया आउटसाइड फ्रॉम होम, ये चीज चेक किया हुआ हो। अगर ये चेक रहेगा तो आप इसको कहीं से भी अपने जो मीडिया फाइल्स हैं वगैरह हैं सर्वर से कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हो ऑन द इंटरनेट। यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करते ही अपना ये कुछ प्रोसेस वगैरह करेगा और आपके सर्वर को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऑलरेडी ऑप्शन आएंगे, जैसे म्यूजिक का फोटो का, तो अगर आपके पास म्यूजिक है ऑलरेडी आपके सिस्टम में तो आप उसको यहाँ पे जाके क्लिक करके यहाँ से फोल्डर का लोकेशन दे सकते हो। बट अभी मैं म्यूजिक और फोटोज पे रिलेट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इनको सिंपली यहाँ से क्लोज कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा यहाँ से। यस आई एम श्योर, फोटोज भी डिलीट कर दिए। यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमारे पास मूवीज हैं, कुछ बॉलीवुड मूवीज है, कुछ हॉलीवुड मूवीज हैं, तो हम यहाँ मूवीज पे क्लिक करेंगे। मान लो मूवी का नाम रखता हूँ मैं पहले वाले फोल्डर का हॉलीवुड, ठीक है, ये हो गया। ये मूवी का लैंग्वेज जो है वो आप डिफॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हो। फोल्डर पे जाओ, आपको फोल्डर लोकेशन देनी है कहाँ पे आपकी मूवी है, तो आप देख सकते हो मेरी जो मूवी पड़ी है ई फोल्डर के अंदर, मूवीज के अंदर सारी कलेक्शन है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूंगा
ईबे फोल्डर पे क्लिक करूंगा, मूवीज पे जाऊंगा और जिस फोल्डर के अंदर हॉलीवुड की मूवी होगी मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करने के बाद सिंपली करना है ऐड लाइब्रेरी करना है। ये हो गया हॉलीवुड का। अब आपके पास एक और है बॉलीवुड का है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे डाला BOLLY बॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड लिख लिया, ठीक है। ये मान लो आप यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे आई थिंक हिंदी का लैंग्वेज लिया हुआ है। ऐड फोल्डर पे जाओ, फिर उसी लोकेशन पे जाओ, ई मूवीज के अंदर हो गया आपका बॉलीवुड, इसको ऐड कर दिया, ठीक है, ये हो गया ऐड। अब एक चीज का ध्यान देना कि अगर आपके पास वेब सीरीज, तो वेब सीरीज में क्या होते हैं ना, बहुत सारे एपिसोड होते हैं और उन एपिसोड को अगर आप किसी मूवीज फोल्डर के अंदर डालोगे तो वो अलग अलग होके आएंगी। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे टीवी शोज, तो टीवी शोज में सेलेक्ट करूंगा, फोल्डर में जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, इस जगह पे जाने के बाद ई में मेरे पास जो जहाँ पे कलेक्शन पड़ा है, ये आपके केस में कहीं और हो सकता है, जहां भी रखे होगे आपको फोल्डर का लोकेशन देना होगा। तो यहाँ पे मैंने वेब सीरीज रख रखी है, यहाँ पे इस लोकेशन में मैं ऐड कर दूंगा, सिंपली ऐड लाइब्रेरी करूंगा। तो ये मैंने सारी कलेक्शन बना ली अपने हॉलीवुड बॉलीवुड और टीवी शोज वगैरह के। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और सीधे सिंपली यहाँ पर डन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करोगे यहाँ पे ये सारी ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो हो रही है स्कैनिंग हो रही है, आपके सिस्टम से सारे इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, जो भी फाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, और उसका एक कलेक्शन बनाया जा रहा है, उसका एक मेटा डेटा वगैरह बनाया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये देख रहे होगे कि ये प्लेक्स सर्वर जो हमने बनाया था उसके अंदर ये सारे फोल्डर्स आ गए हैं। तो यहाँ पे सिंपली एक काम करना, आप यहाँ पे जाना, मैं एक बार बताता हूँ, ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना, इनको पिन कर देना, यहाँ से पिन कर देना, यहाँ से पिन कर देना, और जैसे यहाँ पे आप आओगे तो ये सारा होम पे आपको ये सारा चीज़ दिखाई देने लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मूवीज आ गई हैं, बट अभी इनके जो थंबनेल वगैरह हैं वो नहीं आए हैं, तो वो भी थोड़ी देर में अभी आ जाएंगे, क्योंकि स्कैनिंग बैकग्राउंड में चल रही है अभी भी। और यहाँ पे आप देख सकते हो हॉलीवुड की सारी मूवीज जो मेरे पास पड़ी हुई थी उनकी पूरी पूरी लिस्ट आ गई है थंबनेल के साथ। साथ ही साथ अगर आप इसको खोल के अंदर देखोगे, अंदर जाओगे तो मूवी का नाम, कब ये रिलीज हुई थी, कितने मिनट की मूवी है, रेटिंग क्या है और किस टाइप का इसको रेटिंग मिला हुआ है, किस टाइप की मूवीज है, डायरेक्टर कौन था, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। स्टार कास्टिंग और इससे रिलेटेड जो भी मूवीज है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। वेब सीरीज की बात करें तो अभी भी यहाँ पर भी स्कैनिंग चल रही है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार जब स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप यहाँ रिकमेंडेड पे जाओगे तो यहाँ पे जो ये रिकमेंड करेगा, ये जो रिसेंटली एडेड मूवीज होंगी उस फोल्डर के अंदर, अगर आप कहीं से मूवी लाते हो हॉलीवुड मूवीज और हॉलीवुड फोल्डर के अंदर डालते हो, तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा और यहाँ पे रिसेंटली एडेड में डाल देगा उसको। टॉप मूवीज यहाँ पे दिखाया करेगा और अनप्लेड मूवीज यहाँ पे आएगी, जो प्लेड हो जाएंगी वो यहाँ से दिखाना बंद कर देगा। और ये उसके ऊपर आप देख रहे हो ये ट्रायंगल का जो ऑप्शन आ रहा है, ये दिखा रहा है कि ये रिसेंटली एडेड है और इनको अभी तक आपने देखा नहीं है। लाइब्रेरी पे जाओगे तो इस फोल्डर के अंदर जितनी भी मूवीज होंगी इनका सारा कलेक्शन आपको यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हैं, प्ले ऑल कर सकते हो, सफल कर सकते हो, प्लेलिस्ट बना सकते हो, अगर इन थ्री डॉट से क्लिक करोगे तो क्यू में भी डाल सकते हो, आपको नेक्स्ट मूवी कौन सी देखनी है वो ऑटोमेटिकली प्ले कर देगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लिस्ट व्यू का, फिर आप समरी व्यू भी देख सकते हो यहाँ पे, फिर मैं ग्रिड व्यू भी देख सकता हूँ, यहाँ पे जो आइकन है उनको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो इस स्लाइडर को यूज करके। तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसको R&D करोगे, इसके अंदर जाके देखोगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप इसको टीवी स्क्रीन पर अपने देखना चाहते हो तो आप एंड्रॉयड टीवी पे, किसी भी स्मार्ट टीवी पे जाके आप ये प्लेक्स का जो सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल करो, अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो अपने टीवी के अंदर, वहां पे लिंक करने का ऑप्शन आएगा और जो भी वहां प्रोसेस दिखाएगा उस चीज को फॉलो करना, और ऑटोमेटिकली आपका ये सारा मूवीज का कलेक्शन आपके टीवी पे दिखाने लगेगा और वहां से आप सारी चीजें देख सकते हो। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको ये वाली जो वीडियो है ना, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिली होगी और वीडियो में मजा होगा, चीजें सीखने को मिली होगी, नई चीज सीखने को मिली होगी। तो देखो अभी मैं व्लॉग वगैरह तो कर नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसी वीडियोस बना के आप लोगों के लिए डाला करूंगा। और अगली जो वीडियो आने वाली है ना वो मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पे मैं कैसे फोटो एडिट करके डालता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो नहीं किया ना तो फटाफट से ये जो लिंक आ रहा है इसको जाके फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल रखा है, वहां से भी आप जाके डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो। तो जो पहली वीडियो आएगी वो मैं कोशिश करूंगा कि लैपटॉप और डेस्कटॉप को यूज करके मैं कैसे फोटोज वगैरह एडिट करता हूँ और सिंपल स्टेप्स हैं उसको फॉलो करके आप बहुत ही अमेजिंग फोटो एडिट कर सकते हो।
अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे, तो वो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मेक श्योर आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ये जो लॉकडाउन वाला पीरियड चल रहा है ना, इसके अंदर आप लोगों के लिए कुछ मैं इन्फॉर्मेशन बनाऊंगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा। मोटो व्लॉगिंग तो बंद है आज के टाइम में, क्योंकि आपको पता है कि हम बाइक लेके बाहर नहीं जा सकते हैं। एनी हाउ, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय, क्वारंटाइन का मजा लो, लॉकडाउन का मजा लो। बाय बाय।